दशमी के त्यौहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर इस ऐतिहासिक दिल्ली की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रामलीला कमेटी में के कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विजयदशमी के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनका स्वागत किया है केंद्रीय मंत्री, वहां पर कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन साथ में हैं और साथ ही साथ अन्य दिल्ली भाजपा से जुड़े हुए अनेक नेता और कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में, जहां पर विश्व प्रसिद्ध और देश की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक रामलीला का मंचन किया जाता है। यहाँ के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ रावण दहन, जो कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक और साथ ही साथ कुरीतियों के नष्ट किए जाने का सबसे ज़्यादा प्रतीक है, उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन का जो सुंदर वर्णन किया है, और एक चौपाई जो बहुत प्रिय होगी भक्तों को और शायद याद भी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, वो जो सुख के सागर हैं और दुख के अंत भी, जो महाराजा दशरथ के घर के चिराग हैं, वो मुझ पर कृपा करें। भगवान राम का आशीर्वाद लेने, उनके जीवन के मूल्यों को अपनाने, उनके आदर्शों को बेहतर समझने का मंच रामलीला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल किला मैदान के माधवदास पार्क में आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि दशहरा एक अवसर है हम सभी के लिए कि हम आत्मचिंतन करें, अपने अंदर जो कमियां हैं उसे पहचानें, और हर बार जब दशहरा आए तो हर साल ये अवसर बने हिसाब किताब करने का कि हमने अपने अंदर जो बुराइयां थी उसे कितना कम किया। माननीय प्रधानमंत्री नवरात्रों में खुद उपवास रखते हैं और उपवास रखने से साधक के अंदर एक नई चेतना जागती है। लाल किला प्रांगण में अब माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू पधारते हुए, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, एंड द रिच इंडियन हेरिटेज अट्रैक्ट्स वन एंड ऑल। दशहरा इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल अक्रॉस द ग्लोब। Especially, I am reminded of the Kullu Dasera in Himachal Pradesh, the Mysuru Dasera in Karnataka, and even as the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiya Naidu is being received by the Honorable Prime Minister Narendra Modi and former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. We can share that Dashera is a very popular festival across the globe. The Kullu Dashera in Himachal or the colorful procession of decorated elephants.
That is the Red Fort ground in Delhi, where Ram Leela is just about to start. He was received earlier by union ministers. Former Prime Minister Manmohan Singh is also present there. And these are the Dussehra celebrations that are taking place in Delhi. Remember, this was the place where Prime Minister Narendra Modi had come and witnessed the Dussehra celebrations in 2014 as well. In 2015, he went to Amravati, the capital of Andhra Pradesh, and after that he went to Lucknow in 2016. So this is for the second time in these 3.5 to 4 years that the Prime Minister has come here to the Lal Kila ground, that is the Red Fort ground, to witness the Dussehra celebrations. There you can see on your screen the Prime Minister deboarding of the car. And now we understand that President Ram Nath Kovind has also arrived. Vice President Venkaiah Naidu had arrived earlier. The President being received there at the venue. These are historic celebrations of the Dussehra that take place at the Ram Lal Kila ground, that Savita is the Red Fort ground. स्वच्छता ही सेवा हमारे देश के राष्ट्रपति जी परम आदरणीय श्री रामनाथ जी कोविंद हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। The Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind, is now being welcomed. Narendra Modi, as they exchange greetings, the Prime Minister also welcomes the First Lady Savita Ji. और जो भारत की परंपरा है शुभ कार्य का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ। असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट। वी होप दैट दिस फेस्टिवल ऑफ दशहरा will guide us to the path of light. In the backdrop of the historic Red Fort, this is the Madhavdas Park, where the Dasara celebrations are happening. And in attendance are the President of India, the Honorable Vice President of India, Honorable Prime Minister of India, Union Ministers, and other eminent dignitaries. विधिवत दीप प्रज्वलन के बाद अब अतिथिगण श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी का तिलक करेंगे।
गए हैं। जय श्री राम, जय सिया रामचंद्र, जय पवन पुत्र हनुमान, ये ध्वनि वातावरण में हम सभी सुन सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहां आरती करते हुए और पुष्प भेंट कर श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। अब हमारे उपराष्ट्रपति जी भगवान श्री रामचंद्र जी का, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री राम, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी का तिलक करते हुए, प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी भगवान का तिलक कर रहे हैं, पुष्प माला से उनका पूजा करेंगे और उनकी आरती करते हुए आरती भगवान की करेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, दशहरा यानी ये अवसर है कि हम सभी मंथन करें और 10 ऐसी कुरीतियों को पहचाने जिन्हें दूर करने का हम प्रयास करें, चाहे वो अहंकार हो, अमानवता हो, अन्याय हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, सभी से दूर हमें होना होगा। सविता कोविंद जी श्री राम का तिलक करते हुए, वीरवर लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का तिलक करते हुए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विधिवत रूप से तिलक करते हुए और उसके बाद आरती। भारी संख्या में यहाँ माधवदास पार्क में रामलीला मंचन का आनंद लेने, रावण दहन के कार्यक्रम को देखने लोग उपस्थित हैं और सुरक्षा के बहुत से इंतजाम यहाँ किए गए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
और सभी लोगों का भी ये दायित्व है कि जब भी वो रामलीलाओं के मंचन के लिए या ऐसे किसी स्थान पर जाएं तो सुरक्षा के लिहाज से वे भी अपना योगदान दें। उपस्थित लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखकर उत्साहित हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। और सभी अतिथिगण ने अब मंच पर अपनी जगह ले ली है। रामलीला का एक प्रेरक प्रसंग अब हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनका स्नेह अपने भ्राता श्री लक्ष्मण के लिए, अपने भक्त हनुमान के लिए बहुत प्रेरक है। माननीय राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए अधिकारीगण, श्री प्रदीप गुप्ता जी, श्री अनिल गुप्ता जी और रजत गुप्ता जी। श्री प्रदीप गुप्ता जी माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करेंगे। बंधुओं, आपकी तालियों के बगैर बहुत सूना सूना लगता है। श्री रजत गुप्ता जी, हम सबकी ओर से, आप सबकी ओर से एक भेंट माननीय उपराष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
अब मेरा आग्रह है महानंद जी से कि वो आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, श्री ब्रह्म सोनी जी और किशन मुरारी जी गुप्ता, श्री महानंद जी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री ब्रह्म सोनी जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, हम सबकी ओर से, आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री पवन जैन साहब को कि वो आकर के माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री शिशिर अग्रवाल जी, तनिष गुप्ता जी, उपासना जी, सुरेंद्र शर्मा जी, संजय सिंगल जी, देवांशी, रितेश गोयल जी और संदीप जैन साहब, जो हम हर वर्ष एक स्मारिका यहां से निकालते हैं, उस स्मारिका का प्रस्तुतिकरण माननीय अतिथियों को करेंगे। अब आपके सामने रामलीला का थोड़ा सा प्रदर्शन है जो आप सब देखेंगे। आज राम रावण का युद्ध है और उस युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी की जीत होती है, रावण धराशायी हो जाता है। हमारे घरों में, आप सबके घरों में अच्छाई जीतती है और बुराई का विनाश होता है। सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वहिनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं शिवरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानता है, विश्व जानता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पाप हूं और मैं ही पुण्य हूं। तू मुझे नहीं मिटा सकता है, नहीं मिटा सकता है। लंकेश, तुम अहंकार में अत्यधिक खुद रहे हो, किंतु ये भूल रहे हो जो स्वयं के नाश होने से बचा सकता नहीं, जान ले रावण आरों को मिटा सकता नहीं, मिटा सकता नहीं। उस हवा को भूल जा राम, मैं ताड़ का मारीच और सुबाहु नहीं हूं,
मैं खरदूषण अक्षय और दुर्मुख नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं हूँ, मैं उन सब का पिता हूँ और तेरे लिए मृत्यु का श्राप हूँ। तो ठीक है राम, आ अब युद्ध करो। ठीक है राम, ऐ रणचंडी उठ जा, खप्पर खोल दे, उठ खोल दे कालिका, तू अपना खप्पर खोल दे, आज तेरी रक्त पिपासा शांत नहीं होगी। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हो पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, जय शंकर, जय श्री राम। निश्चरहीन करेंगे धरती ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का, जब तक कार्य न पूर्ण होता नाम नहीं विश्राम, जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, मंत्र भयम परशाम का, समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का, जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर और इस युद्ध को देखकर विभीषण जी से रहा नहीं गया, वो तुरंत प्रभु श्री राम की शरण में गए और उनसे विनय करते हुए बतलाने लगे, प्रभु भाई कुंभकर्ण को मानना सरल नहीं है, वे महान योगी और उसमें संशय साधना समाधि आदि योग क्रियाओं के माध्यम से अपनी नाभि को अपने जीवन में केंद्र बना लिया है, जब तक आप नाभि पर वार नहीं साधेंगे तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। ठीक है विभीषण जी, आज का दिन शुभ है, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, लगता है अमावस्या है, आज ही रावण की अंतिम श्वास पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है,
मैं तुम्हारे अनुसार ही अपनी वाण का संधान करता हूँ। जय श्री राम। नाभि कुंड पीयूष मसिया के नाथ जी अत रावण बलता के सुनत विभीषण वचन आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रीमती गोविंद जी, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागृत रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा है। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए लेकिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही है, प्रेरणा देती रही है। आज नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में
ये जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। और ऐसे उत्सव से सिर्फ मनोरंजन नहीं, कोई मकसद बनना चाहिए। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दे, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करे। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई उसके अनुरूप बना पाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले, यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया है। मैं अब माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। दशहरा के उत्सव पर यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने का पर्व है। हम सब लोग यह भी जानते हैं कि ये नैतिकता और सदाचार की विजय और अनैतिकता की पराजय का भी पर्व है। प्रभु राम के जीवन आदर्श आज पूरी मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रभु राम के आदर्शों को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आदर्शों की सार्थकता तभी कामयाब होगी जब हम सब लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में भी ढालने का प्रयास करें। इस समय मुझे प्रभु राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रेरणादायी प्रसंग याद आता है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, हनुमान जी के नेतृत्व में नल नील, जामवंत, बानर और उनके तमाम सहयोगी सब मिलकर पत्थरों को तोड़कर सेतु निर्माण में लगे थे। उसी समय वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ प्रभु राम के पास आती हैं और कहती हैं कि सेतु के निर्माण का कार्य राष्ट्र के निर्माण का कार्य है और इसमें हम सब गिलहरियाँ भी अपना योगदान देना चाहती हैं।
प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गिलहरियों को अनुमति दी। वे सभी गिलहरियाँ धीरे धीरे पत्थर के छोटे छोटे कणों को लेकर सेतु के निर्माण में अपना योगदान देने लगी। लेकिन उसी समय हनुमान और उनके सभी सहयोगियों ने प्रभु राम से इन गिलहरियों की शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु, ये गिलहरियाँ सेतु निर्माण में सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं, क्योंकि हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पैरों के नीचे कुचल ना जाए। प्रभु राम ने उसी समय गिलहरियों को बुलाकर पूछा, तुम सब इस काम में क्यों लगी हो? तुम्हारे कारण इस सेतु निर्माण में विलंब हो रहा है। इस पर गिलहरियों ने निवेदन किया कि प्रभु, आप ही ने जब इस सेतु के निर्माण के प्रारंभ के दिनों में पूरी बानर सेना को ये प्रेरणा दी थी कि ये सेतु का निर्माण राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को संरक्षण और बचाने का कार्य है, इसलिए ये सेतु का निर्माण भी राष्ट्र का निर्माण है, और इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान देंगे, और इसीलिए हम सब गिलहरियाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस कार्य में लगे हैं। ऐसा सटीक उत्तर सुनकर वहाँ सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस प्रसंग से हम सबको यही सीख मिलती है कि कोई भी काम या कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। यदि हम सब अपने हर काम और जिम्मेदारी को निष्ठा, ईमानदारी, प्रामाणिकता तथा इस बोध के साथ करें कि यह काम राष्ट्र हित के लिए है और प्रभु राम के जीवन आदर्शों के अनुरूप है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण में योगदान की भूमिका अदा करेगा। इस दृष्टि से आज इस रामलीला मंचन के आयोजक गण हों, मंचन के सभी कलाकार हों या आप सभी दर्शक हों, आप सब राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में आते हैं। आइए हम सब राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करें तथा अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। मैं पुनः सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने अपना शुभ संदेश दिया, शुभ आशीर्वाद दिया। अब मैं श्री सुरेश गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पधारे और हमारे राष्ट्रपति जी को एक त्रिशूल शक्ति के रूप में प्रदान भेंट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा अतुल गुप्ता जी से कि वो आकर माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक भरसा भेंट करेंगे। हमारे प्रदीप सरन जी एक दी कमान हमारे प्रधान स्पीकर साहब को भेंट करेंगे।
अब मैं आग्रह करूंगा श्री केएस गोविंदी जी से कि वो आए और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को एक तलवार भेंट करें। श्री महानंद जी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को एक गदा भेंट करेंगे। श्री राकेश गुप्ता जी एक गदा माननीय श्री विजय गोयल जी को भेंट करेंगे। श्री धीरजधर जी गुप्ता हम सबकी ओर से एक गदा माननीय मनोज तिवारी जी को प्रस्तुत करेंगे। ये सभी शस्त्र शक्ति का रूप है। हमारे शीर्ष नेताओं को शक्ति मिले और वो जनता का उद्धार करें, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। अमरीश, अमरीश श्री राम जय राम जय जय राम सब बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भजने प्राणी है कही नाम भजने प्राणी है कही नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम लखनलाल की जय माता सीता की बोलिए पवन सुत हनुमान की जय भारत माता की जय भारत माता की जय
हमारे राष्ट्र के नेताओं के साथ यहाँ पर आज का दशहरे का ये शुभ अवसर मनाया। आप सबके घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए, अच्छाई आए, इस सब की कामना भगवान श्री रामचंद्र जी से हम सब मिलकर करते हैं। हम सब ने जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई अनुष्ठान जरूर लीजिए ताकि हम 2022 में अपने 75वें आजादी के दिवस तक कोई अच्छा काम सोच करके अपने देश के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब से। कृपया करके बड़ी शांति पूर्वक अपनी जगह पर स्थिर रहें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये सीधी तस्वीरें लाल किले से। लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। ऐतिहासिक रामलीला के आयोजनों में जहां पर रावण के पुतलों का दहन किया गया, रामलीला का मंचन किया गया और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित लोगों से, बच्चों से, वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं और दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हैं। ये जननायक की भूमिका में और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि सबको भगवान श्री राम के आदर्श से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। रामलीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, प्रतिबद्धताओं के लिए, संस्कारों के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए और साथ ही साथ लोक महत्व के मुद्दों के एक बार पुनर्स्थापना के लिए एक विशेष महत्व प्रदान करने वाले होते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र लोक कल्याण का अनुपम उदाहरण है, लोक सामर्थ्य का अनुपम उदाहरण है, लोक संगठन ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र जिसमें नर वानर सुर असुर सब कुछ समाहित हो जाते हैं और लोक कल्याण की सामर्थ्य रूप में स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए राष्ट्र निर्माण करते हैं। यहाँ बनाना ये बेहद उपयुक्त है कि रामराज्य की जो संकल्पना की जाती है, रामराज्य की जो परिकल्पना की जाती है, वो एक आदर्श राज्य के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष होता है। कहा जाता है कि रामराज्य ऐसा आदर्श राज्य का स्वरूप था जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी भी तरीके का दैहिक दैविक जो दुख होता है, जो आध्यात्मिक दुख होता है, जो राम जो आदि दैविक दुख होता है, जो अन्य दुख होते हैं, वो नहीं होता है। हर कोई समान होता है, समानता और अवसर की समानता और साथ ही साथ लोगों के अपने चरित्र की सर्वाधिक समुन्नत अवस्था को अगर कहीं ना कहीं परिलक्षित किया गया है, उसकी कहीं कल्पना की गई है, अगर कहीं उसको कहीं लोगों ने चरितार्थ करने की और व्याख्यायित करने की कोशिश की है, तो भगवान श्री राम का रामराज्य की परिकल्पना है जिसमें कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा, सबनर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नर निरत श्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। यानी कि दरिद्रता कहीं नहीं थी, दुख कहीं नहीं था, भौतिक दैविक और आदि दैविक दुख नहीं था। ऐसे रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साथ ही साथ कहा कि साल 2022 में आज़ादी के 75वें वर्ष में हर कोई संकल्प ले कि हम आने वाले इन 5 वर्षों में संकल्प ले कि उसे सिद्धि के रूप में परिलक्षित करेंगे, चरितार्थ करेंगे, उसे मूर्त रूप में परिणत करेंगे और एक आदर्श राष्ट्र की संकल्पना को हम साकार करेंगे।